उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में कुआनो नदी में दो युवक डूब गए। उनके साथ चार महिलाएं भी डूबने लगीं, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। उनकी चीख पुकार सुन वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से महिलाओं को तो नदी से बाहर सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दोनों युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर वाल्टरगंज पुलिस पहुंच गई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बिलौड़ी ग्राम के कई लोग शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर स्थापित कलश को कुआनो नदी में विसर्जित करने गए थे। बारह क्षेत्र के पास नदी में कलश विसर्जित करने के दौरान दो युवक और चार महिलाएं अनजाने में गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इससे वहां चीख पुकार मच गई। मौजूद लोगों ने किसी तरीके से डूब रही चार महिलाओं को बचा लिया, लेकिन दोनों युवक लापता हो गए। काफी देर तक तलाश किए जाने के बाद भी उनकी जानकारी नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस डूबे युवकों की तलाश कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।